रोहिया सबको चाम सी की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लैस होंगे और आने वाले समय में भी मसीह आपको ब्लैस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें पास्टर अंकुर यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थ्य खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करता है मेरे सामर्थ्य खुदा पिता। इस सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता, ये सुबह के वचन के लिए तेरा थैंक्स करते पिता। ये सामर्थ्य वचन पिता तेरे लोगों की जिंदगियों में पिता 100 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर पिता। जिन जिन लोगों तक तेरे ये वचन जाए पिता, उनके जिंदगियां पिता सेम न रहने पाए पिताजी। इस वचन को पढ़ते और सुनते ही पिता वो पिता ब्लैस हो पिता, उनके घराने ब्लैस हो, उनके फैमिलियाँ ब्लैस हो मेरे सामर्थ्य खुदा, और उनकी जिंदगियों में बिगेस्ट टेस्टिमनी को लेकर आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिताजी। पिता इस वचन को सुनते ही पिताजी उनकी जिंदगियां चेंज हो जाए, उनके घरानों की जिंदगियां चेंज हो जाए पिताजी, उनके बच्चे ब्लैस हो मेरे परमेश्वर पिताजी। ये वचन उनकी जिंदगी में बड़ा कार्य करे मेरे सामर्थ्य खुदा पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, इन वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन परमेश्वर का अभिषेक। और जैसे तू उसके पिता का अभिषेक करे वैसे इसका भी अभिषेक करना कि वह मेरे लिए जाचक का काम करे, और इनका अभिषेक इनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के जाजक पद का चिन्ह ठहरेगा। निर्गमन 40:15। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे जाति जाति का राजा होने के लिए ठहराया। जब परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आता है तो वो अभिषेक पुराने से पुराने पापों और श्रापों को तोड़ता है। अभिषेक के कारण आपके बंधन टूटते हैं। मेरे प्रिय बाइबल बताती है कि जब दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया उस समय वह उम्र में अपने भाइयों से छोटा था। दाऊद पाप से दूर रहता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन इसराइल का राजा बनेगा। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि दाऊद पाप से दूर रहता था। पाप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था, पवित्रता ही उसके जीवन का हिस्सा थी, और परमेश्वर के साथ उसकी संगति अच्छी थी। अभिषेक का तेल जब शमूएल के द्वारा दाऊद पर उड़ेला गया तो वह उस अभिषेक में भरता गया, और यहोवा का आत्मा दाऊद पर बलपूर्वक उतरता रहा। और यही कारण था कि छोटी उम्र से ही परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। परमेश्वर के अभिषेक के कारण वो हर एक लड़ाई को जीतता गया। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक को गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप शर्मिंदगी का सामना करते हैं। शैतान जानता था कि आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। शैतान आपको हमेशा खराब करने में लगा रहता है कि आपके अभिषेक को कैसे ख़त्म करे, कैसे आपको नशे और पाप में गिराए। उसको सब पता है। जब आप गंदी चीज़ें देखते हैं, नशा करते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर से घटना शुरू हो जाता है और आप शरीर में चले जाते हैं, और फिर आपके जीवन में निराशा आने लगती है। जो आशीष परमेश्वर ने आपको देनी होती है वह दूर हो जाती है, और आप परमेश्वर में भर नहीं पाते, और शैतान आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। मेरे प्रिय बाइबल बताती है कि परमेश्वर जिसे अपना अभिषेक देता है उससे कभी वापस नहीं लेता। जिस तरह शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराया गया तो परमेश्वर ने अपना अभिषेक शैतान से वापस नहीं लिया। उसी तरह जब परमेश्वर अपना अभिषेक आपको देता है तो उसे कभी वापस नहीं लेता, बल्कि आप पाप करके उसे खुद गवाते हैं। परमेश्वर आपको मुफ्त में अपना अभिषेक देता है। उस अभिषेक को आपने कैसे इस्तेमाल करना है यह आप पर निर्भर करता है। माइकल जैक्सन जब निकलता था तो गाता था तो लड़कियां बेहोश हो जाती थी। वो क्या था? अभिषेक। शैतान अभिषेक की कदर को जानता है। शैतान ने परमेश्वर के अभिषेक को गलत इस्तेमाल किया जिसके कारण उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अगर आपने परमेश्वर के अभिषेक में बनना है तो आपको हमेशा अपने जीवन को प्रार्थना और उपवास में रखना होगा। आपको परमेश्वर के वचनों के ऊपर मनन करना होगा ताकि परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में भरता जाए और परमेश्वर दाऊद की तरह आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। घोषणा, ये घोषणा पास्टर जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि इस वचन को सुनने और पढ़ने वाले लोग परमेश्वर के अभिषेक में भरते जाएं और आपके एक बड़े बड़े कामों को कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर पिता जी। ये वचन पिता तेरे लोगों की जिंदगी में सौगुना फल लेके आए पिता जी, इनको समझ आए पिता जी, परमेश्वर का अभिषेक उनकी जिंदगी में कार्य करे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरा ही अभिषेक है जो हर एक बंधन को तोड़ता है। मेरे परमेश्वर पिता आज इस अभिषेक के द्वारा तेरे लोगों के ऊपर से हर एक बंधन टूट जाए मेरे सामर्थी खुदा। तू महान है परमेश्वर पिता, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे वचन को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते, तो हम मांगते यीशु नासरी के नाम से आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।